रोहित शर्मा के फिर से T20 कप्तान बनने के 24 घंटे बाद आई ऐसी खबर जिसने करोड़ों फैंस के दिल को किया चकनाचूर। पहले मुंबई इंडियंस से छीनी कप्तानी, अब टीम इंडिया से भी रोहित को लेकर होने जा रहा बड़ा खेल। BCCI बना रहा दूसरा प्लान। रोहित शर्मा की कप्तानी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। T20 वर्ल्ड कप से पहले रची जा रही बहुत बड़ी साजिश। जी, करीब 14 महीने बाद T20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की जबरदस्त वापसी हुई है। वर्ल्ड कप 2022 के बाद से ही T20 फॉर्मेट से दूर रहे रोहित शर्मा ने एक बार फिर से T20 की कमान अपने हाथों में ले ली है। रोहित का अचानक से वापसी करना हर किसी को हैरान कर गया। रोहित के साथ विराट कोहली ने भी वापसी की है, जो रोहित के साथ ही करीब 14 महीने से T20 इंटरनेशनल मुकाबले से दूर रहे थे। दोनों दिग्गजों की वापसी उस वक्त में हुई है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। बता दें कि 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। रोहित ने जब से कप्तानी छोड़ी है तब से रेगुलर कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या ही ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन हार्दिक कई महीनों से चोटिल चल रहे हैं और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी संभाली है, लेकिन वो भी चोटिल हो गए हैं। ऐसे में BCCI को रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना पड़ा। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने करोड़ों रोहित शर्मा के चाहने वाले फैंस का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि BCCI आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ दूसरा प्लान तैयार कर रही है। खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप खेलने के साथ ही उनकी कप्तानी पर भी संशय बना हुआ है। अभी भी रोहित शर्मा के ऊपर तलवार लटकी हुई है। दरअसल हार्दिक पांड्या अगर IPL में वापसी करते हैं और पूरा सीजन खेलते हैं तो समझ लो रोहित शर्मा की कप्तानी का T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटना तय है। BCCI ने भले ही रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि क्या ये वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे या फिर इसी सीरीज तक कप्तानी करेंगे। ऐसे में हार्दिक पांड्या का फिर से T20 कप्तान बनना और रोहित शर्मा का भी T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करना, ये दोनों अब IPL ही तय करेगा। देखा जाए तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। वहीं दूसरे नजरिए से देखा जाए तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में आप बिना किसी फिट या आधे अधूरे फिट प्लेयर को ना तो कप्तानी सौंप सकते हैं ना ही उसे टीम में शामिल कर सकते हैं। बात की जाए तो रोहित शर्मा गजब की फॉर्म में चल रहे हैं और अगर इस सीरीज में उनका बल्ला चल गया तो समझ लो वर्ल्ड कप खेलना तय हो जाएगा। ऐसे में IPL से दोनों खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप खेलने के फैसले पर मुहर लग जाएगी। विराट कोहली ने भी शानदार वापसी की है। विराट अभी भी T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित और विराट दोनों की फॉर्म को देखकर लग रहा है कि शायद दोनों वर्ल्ड कप में खेलते नजर आए, क्योंकि दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और टीम को इन दोनों के रहते हुए काफी मदद मिलेगी। सूर्य कुमार यादव भी चोटिल होकर बाहर हैं, ऐसे में उनकी चोट ने भी सिलेक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान बने रहेंगे या फिर हार्दिक को कप्तान बनाया जाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं।